नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम बात करेंगे संकष्ट चतुर्थी के विषय में। जी हां, इस बार संकष्ट चतुर्थी पर कुछ ऐसा योग बन रहा है जो आपको लाभान्वित कर सकता है, आपको एक विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य ही करा सकता है। तो भाई, अपनी राशि अनुसार वो छोटा सा उपाय आप करके बहुत सारी समस्याओं को आप खत्म कर सकते हैं। भगवान गणेश की अर्थात मंगल मूर्ति की कृपा आप और आपके परिवार पर कैसे होगी, आपको बताने का प्रयास करेंगे। और विशेष तौर पर कौन सा उपाय अपनाना है, कौन से महामंत्र का जाप करना है इस संकष्ट चतुर्थी पर, वो भी आपको बताऊंगा। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार दिनांक 28 फरवरी 2024 को बुधवार है और संकष्ट चतुर्थी का महासंयोग है। वैसे तो बुधवार, आप जानते हैं, भगवान मंगल मूर्ति की उपासना की जाती है बुधवार के दिन, और उस पर से संकष्ट चतुर्थी का उस पर मिलन। तो ऐसे में बुधवार और संकष्ट चतुर्थी का एक संयोग आपको लाभान्वित करेगा, अद्भुत लाभ प्रदान करेगा। ऐसे में राशि अनुसार कैसे करने हैं छोटे छोटे उपाय, आइए आपको बताता हूं। मेष राशि के लोग भगवान गणपति को लाल फूल और थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कर दें और एक मंत्र आपको दे रहे हैं, ओम मंगल मूर्तये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। ऐसा करने से आपकी सेहत की समस्या ठीक हो सकती है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, इस उपाय को फॉलो करिए। वृषभ राशि, गणपति जी को 2 मोदक, 1 जनेऊ अर्पित कर दीजिए। ओम प्रथमेश्वराय नमः, इस मंत्र को आप नोट करिए, ओम प्रथमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करिए। ऐसा करने से जो बच्चे विद्यार्थी हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उन्हें विद्या प्राप्ति में बहुत सुगमता होगी, बहुत आसानी होगी। अगर आप नौकरी या आजीविका की तलाश में हैं, तो भाई नौकरी में तरक्की भी होगी और नए आजीविका की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। मिथुन राशि, भगवान गणेश को 108 हरी दूर्वा की पत्तियां थोड़ी सी गीली हल्दी लगाकर अपने राइट हैंड से अर्पित कर दीजिए। आपसी वाद विवाद खत्म हो जाएंगे, मुकदमे में आपको सफलता मिल सकती है। कर्क राशि, भगवान गणपति को थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें, मन ही मन इच्छा बोलते हुए एक सफेद जनेऊ आप अपने हाथ से पहनाइए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः, इस महामंत्र का आप जाप कर लीजिए। आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी, कहीं ना कहीं बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। सिंह राशि, भगवान गणपति को रोली मोली धूप दीप चावल सारी सामग्री अर्पित करिए, पूजन करिए, उन्हें मिठाई का भोग लगाइए और सारी मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। क्या होगा इसका प्रभाव, भाई आपकी वाणी जो है ना, आप उस पर नियंत्रण पा जाएंगे, अपने क्रोध पर गुस्से पर नियंत्रण पा जाएंगे। जब ये चीजें हो जाएंगी तो स्वतः ही आपके कार्य बनने लगेंगे। कन्या राशि, भगवान गणपति के सामने एक घी का दीपक जलाकर गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इस संकष्ट चतुर्थी पर यह पाठ करने से आपके पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो सकते हैं, तमाम चिंता परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा भी वहां से हट सकती है। तुला राशि, भगवान गणपति के सामने आप एक घी का दीपक जलाइए, एक जटा वाला नारियल अपने मन की कामना बोलते हुए उन्हें अर्पित कर दीजिए। दाम्पत्य जीवन की खटास कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपसी वैर विरोध, पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो भी बिल्कुल खत्म होगा। वृश्चिक राशि, भगवान गणपति को लाल सिंदूर और पीले फूलों की माला आप पहनाइए। अपनी उम्र के बराबर पीले फूल या फिर हल्दी की साबुत गांठें आप अर्पित करिए। आपकी आजीविका में आने वाली कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो मित्रों, वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। बात करते हैं धनु राशि की। भगवान मंगल मूर्ति को एक गुलाब का फूल, मात्र एक गुलाब का फूल और थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर दीजिए और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। अचानक आने वाले संकट स्वतः ही टल जाएंगे, तो भाई इस स्तोत्र का जरूर पाठ करिएगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के सभी लोग भगवान गणेश को पीली मिठाई का भोग लगाएं, अपनी क्षमता अनुसार लोगों में
जो है कुछ पैसे देकर, वस्त्र देकर, अन्न देकर उनकी मदद करें। ऐसा करने से क्या होगा, आप रुपए पैसे के नुकसान से हर तरीके से अपने आप को बचा पाएंगे। कुंभ राशि, भगवान गणपति को लाल गुलाब के फूलों की माला पहनाइए, शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम ईशान पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके बच्चों की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बच्चे की सेहत ठीक नहीं रहती, इस मंत्र का जाप करिए। बच्चा परीक्षा में कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति उसमें आ गई है तो इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। मीन राशि, भगवान गणेश को केले का फल अर्पित करिए, मिठाई अर्पित करिए और ये किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दीजिए, किसी व्यक्ति को दे दीजिए, लेकिन एक महामंत्र आपको जपना है, ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं सुखद होगा, प्रेम प्राप्ति में आप सफल होंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय इस संकष्ट चतुर्थी पर करने से अवश्य ही आप लाभान्वित होंगे, मंगल मूर्ति की विशेष कृपा आप पर जरूर होगी। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि इस संकष्ट चतुर्थी पर कुछ विशेष संयोग बना हुआ है जो आपको लाभान्वित कर सकता है। अपनी विशेष समस्या को खत्म करने के लिए, विशेष मनोकामना की प्राप्ति के लिए अपनी राशि अनुसार आपको ये छोटे छोटे उपाय जरूर करने हैं ताकि ग्रहों का कोई दुष्प्रभाव आप पर ना हो, भगवान मंगल मूर्ति की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो मित्रों, ये छोटे छोटे महा उपाय हमने आपके साथ साझा किए, इनका अनुसरण करिए, इनको फॉलो करिए और मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।